और फिर ऊपर ताने की ये कहो है अगर भाई मैं एशियन गेम की तैयारी कर रहा हूँ उड़ते लड़की और फिर आऊंगा और नाम राखियो क्यों रख लिया दस पीछे भी कौन देवा क्या के देवा दस पीछे लड़ी पे और भी दस किले भी तने कह दी विशाल के पिताजी ने कह दी दस किले और देवांगे तने तू लड़ पल हम ट्रायल दे रोड़ा एशियन गेम का है पत से किसी ने देखा इसने लड़ी है घुड़ाई लड़ी है बढ़िया पहलवान है मेड़ा में लड़ा है 100-100 की कुश्ती भी लड़ा है 150 की भी लड़ा है फिर 11,000 की लड़ा है हम 75 लाख टेक दिए और 1 करोड़ पार कर देंगे 2 दिन का टेम में लड़ लो दोनों का डोप टेस्ट करवाए के और गांव में दंगल करवावांगे मुख्य अतिथि भी मारा यो होगा इसका मान सम्मान बढ़िया लड़ता करांगे और इसने कहते दोबारा घुड़ाई की भी कौन कहवा तो ये कहो नहीं मैं आदमी ठहरे हम ठहरे न्याय की आवाज और न्याय का लगा भाई तेरे का लग रहा था उस दिन तेरे का खड़े थे तने मरला अदर सारा मनस का दिमाग खराब करके रिजा करया तने सौदार तू एक कमरे में हमने सारे ने बेच गया तने शर्म को नहीं आई कमरे में बेच गया और कमरे में बेचे इसने धरना पर कोई फैसला होया बता मैंने तू धरना पर कोई कमेटी डीसी साहब को विज्ञापन दिया है अब बैठेंगे भूख हड़ताल पे अनपढ़ जमा नॉलेज को नहीं अरे एमएलए वाली कुर्सी हाथ में आई हुई छोड़ दी एक पहलवानी खातर अर्ज हार गया तो के बनेगी सारे भैया ने भाई मेरी राम राम भाई विषय है बजरंग पुनिया परसों मैंने वीडियो बनाई थी कल बजरंग पुनिया भाई साहब की आगे वीडियो और आज फिर यहाँ पर सारे हमारे बुजुर्ग हमारे भाई सारे बैठे हैं बजरंग पुनिया के एशिया कप में जान पे इतना रोड़ा क्यों है एशियन गेम्स में जान पे इतना रोड़ा क्यों है भाई मारे देश का मारे हरियाणा का मारा भाई और वो चला गया तो इसमें डाउट के समस्या के है बाकी यहाँ पे पिताजी बैठे हैं विशाल काली रमन के देखो विषय है भाई विशाल काली रमन ने आज पूरा इंडिया हरा रखा है और वो हरा के आज वो घर ही बैठ गया समस्या मतलब एक इंडिया का टॉपर रेसलर और अच्छी डिस्टेंस तक कोई दूसरा प्लेयर हराया श्रृंखलाबद्ध पहले डिस्ट्रिक्ट फिर नेशनल फिर चुगरदा स्टेट नेशनल चुगरदा हो गया चुगरदा सारे हराए और वो हराने के बाद भी घर ही बैठ गया और एक प्लेयर बजरंग पुनिया जो सीधा सिलेक्शन हो गया अब यहाँ पे बैठे हैं सारे सबसे पहला सवाल जो इनसे है क्या आप जब बजरंग पुनिया उस आंदोलन में बैठा था आप सारे वहां पे थे के नहीं थे बिल्कुल बिल्कुल आप उसके समर्थन में गए मानुष के समर्थन में पूरा समाज झरखा हमारा हमारा मैं खुद विशाल का पापा जी। विशाल की मम्मी जी। चाचे ताऊ खुद अपनी गाड़ी में एक बार नहीं कई बार गए क्यों जब वो विनेश फोगाट है ना जब बोदरी थी हमारी क्या बोल तो उसको शोषण शोषण हो रहा है आप आओ खापों को बोले उन्होंने भी आप आओ हमारी मदद करो और रो रही थी वो बुरी तरह क्या फिर हम मर जाएं क्या फांसी लगा लें क्या तब हमारे को दर्द हुआ था भाई वो हमारी हैं इज्जत है वो उसके लिए हम उनका समर्थन करने गए थे भाई कौन आपके साथ शोषण कर रहा है तब हमने जाके पूछा था बोला ब्रजभूषण कर रहा है गए हम उनके पास एक बार नहीं पूरा समाज जुड़ गया लेकिन उन्होंने शोषण हमें तो पता नहीं भाई इंग्लिश जानते नहीं ज़्यादा शोषण क्या होता पता नहीं देसी आदमी है तब उन्होंने बोला ना शोषण का मतलब तब समझे हम तो भाई ठीक है हम उनके पास गए हैं पता भी लगा है लेकिन असली शोषण तो अब पता लगा हमें कि शोषण ये शोषण है मेरे जो विशाल के साथ और अंतिम के साथ दो किया दो ही वजनों में हम ही मिलेंगे आपको और वो भी सार डिस्ट्रिक्ट या तो अगर जाना था जितने भी वजन हैं सारे चले जाते कोई प्रॉब्लम नहीं या फिर जाना था ट्रायल क्यों ली गई हमारी हमारे दो ही वजनों में ट्रायल क्यों ली या तो ट्रायल ली है तो फर्स्ट आए हो वही हक तो नहीं का बनता पूरे समाज में बता दिया आज हमने यहाँ डीसी साहब को विज्ञापन दिया है अब बैठेंगे भूख हड़ताल पे मैं और विशाल की माँ और जब तक न्याय नहीं मिलेगा नहीं उठूंगा मैं क्लियर शब्दों में कह रहा हूँ आपको हाँ देखो भाई जब वो आंदोलन हुआ ये सारे सारे के सारे गए थे हाँ बिल्कुल सारे के सारे सारे गए थे टोल बंद गिरे टोल के मुकदमे भी मारा पे हैं रोगी खाप ने पंचायत करी थी मेरे खाप के मैं निकाह था मेरे खाप के 7 आदमी तो मैंने भेजे थे ओड़ा है मारे खाप के प्रतिनिधि थे और मन ने टोल जाम कर रहा था भाई माई ये टोल
बंद होया था और पूरी कमेटी थी टोल गई। और दूसरी बात सुन दे भाई, मैं झूठा हूं नहीं, तेरी खापका पुनिया खापका शमशेर नंबरदार मेरा गला था रात ने डेढ़ बजे भी टोल बंद किया था जितना मेरे तो ठाई थी। तेरा तेरी खापका आदमी है, तेरा आदमी है, पूछ लिए शमशेर नंबरदार एड आदमी है, पंचायती आदमी सारा ननिया है, सम्मानित है मेरा खातर, उसने पूछ लिए कि भाई ये थे कौन थे, तो ये कहा नहीं मैं आदमी ठहरे हम ठहरे न्याय की आवाज और न्याय गला लागा है भाई, तेरे गला हो रहा था उस दिन तेरे गला खड़े थे, तने मरला अदर सारा मनस का दिमाग खराब करके रिजा करिया, तने सौदार तू एक कमरा हमने सारे ने बेच गया, तने शर्म को नहीं आई कमरे में बेच गया और कमरे में बेचे इसने धरना पर, धरना पर कोई फैसला होया बता मैंने तू, धरना पर कोई, धरना पर कोई कमेटी आई एक बात हमने कमरे में बेच गया कुछ नहीं बात। अगर कमरा में नहीं बेचर नहीं, पंचायत का अगर कोई भी फैसला अगर वो खुल में अगर बंद कमरे में फैसले को नहीं अगर दे, बंद कमरे में तो पर्दे के पर्दे रहा अगर भाई, इस टाइम पर ना इसने इमोशनल कर दिए हर परिवार तो इमोशनल कर दिया, हर एक बालक इमोशनल कर दिया, जिसकी ड्यूटी थी ना वो अपनी नौकरी और काम धंधे छोड़ छोड़ उठ जाके बैठा था, हक मारा गल ये होने लागे जो रोई थी ना हर एक चीज आदमी हर एक अपने हम भी गए थे भाई, ठीक है पापा भी था, विशाल भी था, वो भी था, अपने सारे काम छोड़ के जा रहे थे, उसकी माँ भी थी, घर में जितने थे यार रिश्तेदारियाँ थी जा रही थी, अकेला यो हो जा रहा था, इन्हें की लड़ाई कौन थी, मारा भाई कोई मतलब नहीं इन चीज़ों का, मारा मतलब सरप है भाई, अन्ना है की लड़ाई लड़ना, उस बाला गला गलत हो रहा नहीं तो उसका गला खड़े हैं भाई, नू को बन्यारा पैट दिया हो न्यारा कुकर पैट दिया, को गलत घोड़ा पीछे को ला सकता, गलत घोड़ा बुला देगा भाई तू, लंगड़ा घोड़ा कदे दौड़ा गया मैदान में, 10 किले जमीन आओ है, 10 किले टेक दिए, को टेक के दिखा देना 5 रुपये इस पर, इसने लड़ी है घुड़ाई लड़ी है बढ़िया पहलवान है, मेले में लड़ा है 100-100 की कुश्ती भी लड़ा है, 150 की भी लड़ा है, फिर 11,000 की लड़ा है, हम 75 लाख टेक दिए और 1 करोड़ पार कर देंगे, 2 दिन का टेम लड़ लो दोनों आगे डोप टेस्ट करवा के और गांव में दंगल करवावांगे, मुख्य अतिथि भी मारा यो होगा, इसका मान सम्मान बढ़िया लड़ देगा करांगे, और इसने कहते दोबारा घुड़ाएगी भी कौन कवा, इस तो फल तोर के बात होगी कुश्ती लड़ूंगा, विषय यो नहीं है कि उड़े, विषय यो कि आड़े तो तैयार होकर उड़े जाओ, उड़े जाकर प्राइस जीतना ना जीतना अलग बात है भाई साहब। भाई साहब आप ये बताओ एक बात, कल वीडियो में पुलिस ने लठ मार के ठा दिए, धरना खत्म हो गया, ये बताओ धरना किस बजे तक उठा होड़ा तो किस बजे तक खत्म होया, इसका किसी ने बेरा हाथ लगे, हरियाणा में इंडिया में किसी ने नो बेरा ये धरना खत्म कैसे होया, ये तो कल वीडियो में ये कह रहा पुलिस ने लठ मार के उठा दिए, जतन की बात है, सारी पंचायत सारी पंचायत सारी पंचायत सारी खाप सारे किसान सब पहलवान सब इंडिया में तो कूण कूण में तो एक आदमी वहां पे धरने पे मौजूद था, किसान आंदोलन हुआ था दिल्ली में, 719 किसान शहीद हो गए थे, उठ गए थे वहां से लठ मारने से पुलिस के, तो इस धरने से पुलिस पर लठ मारने से धरना खत्म हो गया, ये जतने की बात है क्या, देखो बात तो सारी पॉइंट है, सुंदर भाई बैठा है, भाई साहब राम राम, राम राम भाई राम राम, आपकी बजरंग गले कोई पुरानी दुश्मनी है, बेरा को मेरी तो कोनी हो भाई, वो मान रहा हूँ, मतलब कई जगह आप पे दिखो इस पूरे आंदोलन में लगा जो सुंदर की कुछ पर्सनल दुश्मनी है, इसने अपना ही मतलब कट है कोई की दुश्मनी, उससे मेरी कोई दुश्मनी को ना, अगर इसकी दुश्मनी होती तो इसका समर्थन करने खातर उड़े ना जावा, क्यों गए थे हमें दुश्मनी, तो भरत भूषण के लिए बांध ली थी दुश्मनी, तो भरत भूषण के साथ बांध रखी थी, वीडियो पड़ी उठा के देख ली मेरी, मैं तो कति खुला बोल के आया था, 2 बार गए सारे भाइयों लेके गए, अब एक बात बताना, जब ये भी तो गए थे और इनके साथ गलत हो गया, इनका साथ दे दिया तो मन ने कहने लगे, तो भाई उनका तो कोई भी खिलाफ ना बोलो, सारे जी जरूरी करो उनकी, और उन्हें जान दो कि जाऊँ ये चाहोगे ये हम उन कौन देवा, क्यों जब हम भरत भूषण कह सका तो इसने भी कह सका, ये उसने भरत भूषण का था बाहुबली है, तो आज बच्चे खातर यू भी तो बाहुबली बन रहे हैं, यू नहीं जानता, एक पिताजी है इसने 10 के 10 किले टेक दिए, लोगों ने 70 लाख रुपये टेक दिए, के टेक दिया, क्यों टेक दिया, और फिर ऊपर जाने की गेगा है, अगर भाई मैं एशियन गेम की तैयारी कर रहा हूँ उड़ते लड़की और फिर आऊँगा और नाम राखियो, क्यों राख लिया 10 पीछे भी कौन देवा, क्या के देवा 10 पीछे लड़ी पे और भी 10 किले भी इतने कह दी, विशाल के पिताजी ने कहा 10 किले और देवांगे तने, तू लड़ पहले ट्रायल दे, रोड़ा एशियन गेम का है, पद से किसी ने देखा एशियन गेम का, तो रोड़ा माज रहा है भाई, तू जीतेगा वो जागा, उड़ा लड़की और फिर आड़ा लड़ेगा,
अरे भाई मान गए इसे बावले हमना हाँ पागल बना दी थे दुनिया तने हमना बनाई सच्चाई है कोई इलॉजिकल सी बात नहीं बनती भी ओड़े लड़का आऊंगा मैं फिर आड़े लड़ा लियो अपने पीछे तैयार रखियो ना ये इलॉजिकल सी बात है इब्बे लड़न का फायदा है क्योंकि रोड़ा है एशियन गेम्स नहीं फिर भी आदमी का मुंह मतनू नहीं लगड़ी ना भाई समाज है पीछे साइड में रखो मैं कुश्ती लूंगा लड़ लूंगा फिर भी ना मुड़े राखियो ना मुड़े राखियो बोल भाई नहीं एक बात या कहवा यो बोले मैं फिर लड़ दूंगा इसकी तसल्ली से के पंचायत धर के अरे और पंचायत में को नहीं आयो पाछा इसका के है पाछा बहाना मार देगा भाई मेरे तो चोट लगी कौन इसकी सच्ची इसकी तसल्ली से इसकी आगे और भी ट्रायल आओगी एशिया की यू लड़ता हुआ यू तो पहलवान नहीं छोड़ देगा ज्यादा कब है यू कुछ डोप डाप लेकर न मैं लड़ लूंगा इसका गले इतने पागल को नहीं लड़ना तो ये बुखार हो रहा है उसका बीमार है के वो एशिया में जाओगा समझ तक ना है पूछ तो ले उससे विशाल आज लड़ने के लिए तैयार है यो क्यों नहीं है ये बताओ आप बीमार हो सके और की है क्या देखो विशाल इसको चुनौती दे रहा है लड़ने के लिए तैयार है बीमार तो को नहीं एशियाड गेम खेलने जाओ है तो इसका मतलब फिट है मानने में देश का सबसे श्रेष्ठ हुई भी श्रेष्ठ एक बात बता इसकी कल वीडियो मैंने दो बार सुन ली उसमें एक बढ़िया बात कहने लग रहा है अक मैं बिजी हूँ मेहनत करने में राठी को ढंग लग रहे गे तलवारबाजी करे है कर दिया मेहनत तो करे वो भी हमारा को अलग गेम थोड़ी करे है कोई मनसांग लग रहा है भाई पलवा नहीं करे दोनों टेम करे तुम्हारा गांव अखाड़े को नहीं मारा गांव मैट को नहीं हमारा गांव किमे को नहीं हमारा गांव में सबसे पहला हिंद केसरी मास्टर चंदीराम होए दे ठीक भारत केसरी होए दे उस गांव में हाँ उस गांव में खाड़े भी हैं उस गांव में हर एक चीज है और खाड़े हर एक चीज हो पाछा भाई तुम्हारा टीम लड़ ले तेरा जी कर दो जी से डाल लड़ ले तेरी शाम के जोर करावांगे अरे तेरी बदाम हम रगड़े के देवा भाई तेरी डाइट देवा हर चीज देवा मैं एक बात और बता दूं भाई इस गांव में जो नुका था ना यो अग भाई या अंतिम का बारह में यो या विनेश भी कत देना आ रही है इस तरह की बात कब था भैया की आपको एक बात बताता हूँ ये भी उसी गांव का लड़का है जिसमें प्रथम महिला भारत के श्री इसी गांव की लड़की बन रही है चंदगीरा मास्टर चंदगीरा पहलवान जी है लड़की पता है तेरे को सोनी का काली पहली भारत केसरी महिला पहलवान इसी गांव की है इस गांव से टक्कर ले ली भाई हरियाणा का सबसे बड़ा गांव है और एक नंबर का कंधा कुआं का गांव है और यो गांव पूरा इकट्ठा होगी विशाल के लिए लाग लिया ठीक है ना भाई और सारे भाई साथ दो भाई बड़ा गिल्ला गलत हो रहा है एक दिन में दो बार केसरी एक दिन में दो और वो भी दोनों बाण और भाई और उनके पिताजी कितने वो है उनके पास तो कह नहीं सकते कि जो पद्मश्री मास्टर चंदगीराम उन्होंने अपने दो बच्चे एक ही दिन में भारत केसरी बने हैं उनके गांव से हैं और जो बोलते हैं ना ABCD नहीं जानते ए से लेकर के जेड तक कुश्ती के बारे में हर चीज जानते हैं ए से लेकर के जेड तक और वो जो भारत केसरी संजय है ना बोलता है कि ये तो ABCD नहीं जानते उसको पता हमारे बारे में भी हम उसी गुरु के शिष्य हैं जिस गुरु का वो है हमने गुरु का सम्मान करना सीखा है और कुश्ती के बारे में सब कुछ जानते हैं लेकिन तुम्हारी तरह चालबाज नहीं है भैया ये काम जो आप कर रहे हो हाँ चालबाजी नहीं आती बिल्कुल क्लियर ओपन है गलत शब्द निकल सकता है गुस्से में या जिसके साथ अन्याय होगा तो क्या बोलेगा कुछ ना कुछ तो ऐसा शब्द निकल जाएगा उसके लिए तो भाई शोरी हम तो हमारे से भी निकल सकता है हाँ मेरा लंगोटी खानी है बांधनी है हमने सिखाव चार चार बाट के श्री है हमारा गांव में अकेले में पूरा हिंदुस्तान में कोई भी गांव ऐसा नहीं जिसमें अकेले एक गांव में चार बाट के श्री बने हों हैं चार चार बाट के श्री हम जहाँ और लंगोटी हमने नहीं बांधनी आंधी अरे ठीक गया था किधे हो गया कामयाब ठीक से रावण भी हो गया था कामयाब तो रावण में भी ताकत हो गई थी फिर क्या हाल होया पाछे हैं दुर्योधन में भी होगी थी ताकत हाल के हुआ लास्ट में सब ने पता है ना इतिहास में है ना कौन इतिहास में इसका भी बढ़िया पर्चा दर्ज होगा यो भी याद रखा या इतिहास बनाएगा इसका ये मास्टर चंदगीराम के गांव से पहलवान है जिसने चार चार भारत के श्री
इस गांव से, और एक भारत के श्री संजय पहलवान जो मास्टर चंदगी राम के आशीर्वाद से बना था, तो इन पहलवानों को ये कह रहा है कि लंगोटी बांधने नियति खानी वो सब लंगोटी का ज्ञान, तो उसका उन्हें ये अहंकार जो अहंकारी प्रवृत्ति की जो बात है वो बजरंग ने नहीं कहनी चाहिए, इसमें अहंकार नजर आवा है। भाई देखो एक प्रतिक्रिया आई, बोले ये यूट्यूबर उठावर चलते हैं, ये 15 रुपये का मेडल है, 15 रुपये का मेडल इन्हें यूट्यूबर आता रहा है, डायलॉग मिला कौन था आप लोग? ये ना लिया करो मारो दौरे तमी, जितने भी यूट्यूबर हैं भाई मारो दौरे ना आया करो, खाम खाम में तरती और कहना लागे लोग इसका दौर जा रहे हो सारे। भाई देखो इसने नू भी नहीं बेरा तारी आवाज किसने उठाई थी, जब तो नुको था गोदी मीडिया उन्होंने, तो जो यूट्यूबर उठाई ये तमी नहीं कहने लग गया तो भाई इसका दौर जाओ सारे, इसके लिए यार को इंटरव्यू हम तो नू हांडी जावांगे ले। भाई साहब आप क्या कहना चाहोगे कि सारा मामला आपके? देखो एक बात बिल्कुल सच है कि सारी फिल्म में एक बात क्लियर हुई है कई दिन से कि बजरंग गलत है, और बजरंग ने यह बात माननी चाहिए कि बिना ट्रायल कुश्ती पर जाना कहीं ना कहीं एक षड्यंत्र था एशिया गेम में जाना। और देखो जब धरने पर था तो पूरा देश प्रेशर में था, पूरा सिस्टम प्रेशर में आ गया था, पूरी बीजेपी सरकार प्रेशर में आ गई थी, पीएम तक बात जाली थी, तब जब लास्ट में सारा सिस्टम प्रेशर में आ गया तो अमित शाह ने इस मामले कमान संभाली, अमित शाह ने उनको बुलाया, जब अमित शाह ने बुलाया तो उनके साथ समझौता करा, और मैंने बजरंग को खुद एक बात बताई थी, बजरंग का याद भी होगी भाई अगर वीडियो सुनेगा तो याद आ जाएगी, मैंने बजरंग को एक बात बताई थी, मैं तू साल दो साल का रह गया कुश्ती प्लेयर में, तो भाई दो साल और खेल लेगा, ढाई साल खेल लेगा, डेढ़ साल खेल लेगा, पर तेरा करियर बहुत बढ़िया बन गया, तने पूरा हिंदुस्तान जानने लग गया, तू अमेले पक्का बनेगा, किसी टिकट मांग लिए तू पक्का अमेले बनेगा। लेकिन बैरी गार्ड ने गलती कर दी, गलती यह कर दी कि भाई इतना बड़ा मामला वो हो गया, सारा देश उसका आज खिलाफ हो गया, सारा समाज के खिलाफ हो गया, तो अमेले बनेगा करते अमेले बनने खातर ही, अगर उसके मन में तो है, देख ये तो बताऊं मैं, देखो जी तो पूरा पूरा करा था, देख सच्ची बात है, ईमानदारी की बात है, झूठ नहीं है, देखो 100% मंत्री बनना जी करा था, चलो यो खेल मंत्रालय तेरा हाथ में आ जाए फिर, और जिस तरह ये अनुराग ठाकुर बैठे तू यहाँ बैठे फिर चौधरी पूरी करे फूफा जी करा था, मेरी जब बात हुई तो हमने साइकोलॉजी पढ़ ली, बजरंग का पूरा मन करा था, लेकिन बैरी का हार्ड ना मैं न मानूंगा भाई, अनपढ़ जमाए नॉलेज है कोनी, अरे अमेले वाली कुर्सी हाथ में आई हुई छोड़ दी एक पहलवानी खातर, अरे जय हार गया तो के बनेगी, जय वो एशिया गेम में हार गया तो कसम से भाई बहुत नाराज, मैं तो आपने एक बड़ी बात बताऊं, मैं तो बजरंग ने ऑफर दिया आया था भाई मेरी आम आदमी पार्टी है, मेरी पार्टी तो टिकट कदे मांग लिए इतना आंदा है देवांगे, और मैंने तो खुला ऑफर तीनों ताई दे दिया था, विनेश ताई भी दे दिया था, साक्षी ताई भी दे दिया, दोनों मेरी बाण है वहां भाई, दोनों मेरी बाण विधायक बनेंगे, और मैंने विनेश को बताया तारली बाण तो बनी नहीं बढ़नी तो, क्योंकि वह तो गलत जगह जा बैठी, और मां था मार खानी आ जाओ गारंटीड बात है, तो हमने नहीं रोक सका कोई मंत्री बनन तभी, और उनका मन भी था करे भी था। देखो विनेश ने तो, मैं तो देखो एक बात बताऊंगा, विनेश तो माननी भी सोमवीर राठी मारा भाई है, और मारा भाई ने देखो मान ली उसकी बात, वह उल्टी अटकी, और यो पता नहीं खागड़ बावड़ा कुकर यो आप तो डूब्या सेती उन दोनों बहाना ले डूब्या ये एक बड़ी बात। भाई साहब एक बात बताओ भाई, पहले एशिया जीत लिया, ओलंपिक में जा लिया, गोड्डा मराद भर ली, इब तो पंडा छोड़ देना चाहिए था, अमेले वाली कुर्सी तो यो बुढ़ापा तक काम आवा रे, ईब नहीं जीतेगा, क्योंकि मैंने कई जगह जिक्र कराया ईब महा भाई जय इसने टिकट ईब दे दिया तो नू ले माइनस में वोट आऊंगे, लेने के देने पड़ जाएंगे। देखो भाई बात यह है सिस्टम के थ्रू तो वो गया है, लेकिन सामाजिक परिप्रेक्ष्य में देखा जुकर समाज वहाँ इकट्ठा आया था उसकी नजरा में गिरावट है, वो नहीं चाहता कि वो डायरेक्ट जावे, अब वो सिस्टम के थ्रू सोचा कि समाज के थ्रू सोचा है, समस्या है सारी या संदीप जो आप कह रहे हो सिस्टम के थ्रू गया, और सिस्टम भी खाप पंचायत की ताकत तय बनाया था उसका, उसका सिस्टम जब भी कामयाब होया है उसने कहा कि भाई बाण बेटियां की इज्जत है, अरे उस दिन भी हमारी बाण बेटी गल्ले थी तो ईब हमारी बाण बेटी उसकी बाण बेटी नहरी नहरी होगी गे, और हमारे गांव ने वह चीज़ सिखावे है जिस चीज़ की वजह से इंदकेसरी मास्टर चंदगी राम ने महिला कुश्ती स्टार्ट की थी, उसकी वजह है गीता बबीता विनेश निपलना कड़े महिला पहलवान होया कर दी,
ये महिला पहलवाना की कुश्ती शुरू करानी है हमारा गांव और वो हमारा गांव ने नुकाय लंगोटी पहरिया करे खाया करे और इस खाप पंचायत ने सब क्या इन्हें बेच गया अपना जमीर बेच गया भगवान के घर में जाके के जवाब देगा महाराज तो फद्दू बनाएगा उस भगवान का फद्दू कुकर बनाओगा यो न्याय आड़े हो जाएगा। तो भाई फिलहाल तो यह वीडियो इतनी है लेकिन जो ये समाज वर्ग जो बैठा है ना ये नाराज है। अब बजरंग भाई साहब क्योंकि इस नजरिए ने देखें क्यों करके आने जाने देखेंगे। धन्यवाद जय हिंद भारत माता की जय। थैंक यू भाई।